आप देख रहे हैं हारे का सहारा टीवी चैनल। आज 3 फरवरी को पिछले कई सालों की भांति बुराड़ी दिल्ली से शाम वक्त पवन कुमार वर्णवाल बस से खाटू धाम पहुंचे भक्तों को लेकर। रास्ते में हारे का सहारा टीवी चैनल का खास प्रोग्राम चलते चलते चल रहा है लाइव। सभी ने खाटू बाबा के दर्शन किए और अपने अपने परिवार के लिए खुशियां मांगी। एक एक कड़ी कचौड़ी खाई गई। लगभग दोपहर 1 बजे पहुंचे सालासर धाम। श्री बालाजी के दर्शन कर किया सभी भक्तों ने शिव भोजनालय पर दोपहर का भोजन। तत्पश्चात निकल पड़े दादी रानी सती के मंदिर में दर्शन किए। इसी दौरान बाबा का एक धाम चूड़ी धाम में मैं भी जाकर हाजिरी लगाई और बात की वहां के पुजारी श्री राम शर्मा जी से। पुजारी जी ने बताया यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसमें चैत्र के नवरात्रों में 9 दिन लगती है मिश्री, और उसी मिश्री का मंदिर में बाबा श्याम का लगाया जाता है भोग, और वही भोग भक्तों में किया जाता है वितरित। मान्यता है चूड़ी धाम श्याम मंदिर की। इस पेड़ पर बाबा श्याम का ध्यान कर कोई मनोती मानकर नारियल बांध दिया जाता है तो मनोकामना पूरी हो जाती है। लगभग 11 बजे रात्रि को पहुंचते हैं श्री श्याम एवं श्री बालाजी रेस्टोरेंट। यहाँ का भोजन लाजवाब मिला। भक्तों की आत्मा संतुष्ट हो गई। मार्च 2024 को फिर जाएगी बस। मार्च 2024 को फिर जा रही है बस। निशान यात्रा रिंगत से खाटू रहेगी। बुकिंग होना हो चुकी है शुरू। पवन कुमार वर्णवाल के नंबर पर 9899073583 पर रिपोर्ट। ईश्वर चंद्र राय व पवन कुमार वर्णवाल के साथ हरीश तोमर की मिली जुली रिपोर्ट। देखते रहे हारे का सहारा टीवी चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। राम 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 57 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 राम राम 57
जय जय
आ जाओ बना रखा है पहले क्या कर रहा अनिल भैया आलू मुंजा दे दो बोल वाला जी महाराज की जय। सालासर धाम से हरीश कुमार हारे का सहारा टीवी चैनल साथ में है। आदर्श नगर से दिल्ली से पहुंचे शिवपाल सिंह चौहान, पवन कुमार बर्णवाल जो बुराड़ी दिल्ली से बसलाते हैं हर महीने के दूसरे शनिवार को। अगले माह 2 मार्च का दर्शन का यात्रा का कार्यक्रम है जो रिंगस से खाटू के लिए निशान यात्रा रहेगी। देखते रहिए हारे का सहारा टीवी चैनल सारा श्रद्धा। एक
ऐसे बहुत बढ़िया गार्डन बना रखा है। वो तो लगा ले। लगाए रखो। आप देख रहे हैं हरे का सहारा टीवी चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ एफेयर्स अभी से रजिस्टर हरे का सहारा टीवी चैनल आज पहुंच गया है चूड़ी। आज बात करेंगे, मैं हरीश तोमर बात करूंगा। आपका क्या नाम है? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा की चूड़ी धाम जो मंदिर है ये कितनी साल पुराना है? ये वैसे तो कम से कम 1100 साल पुराना है, लेकिन ये मंदिर बाद में है। मंदिर बाद में याद रही है वहाँ पूजा होती है। अच्छा अच्छा, ये हमारा भाई पूजा करते थे, कितना ये समाधि कितना समाधि बनाइए। तो क्या क्या यहाँ उत्सव होते हैं उस मंदिर में चूड़ी धाम, ताकि हरे का सारा टीवी चैनल लाखों करोड़ लोगों का आने वाला है धाम से, तो कुछ सुलह कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे चूड़ी धाम के बारे में, ताकि जो लोग आजकल पता ही नहीं है कि बाबा जी चूड़ी धाम भी है। ये महाराज जी वहाँ पूजा करते हैं। ठीक है, कई तरीके से। ठीक है, बाद में कोई दशा हो गया कोई तो बता रहे कि बाबा खुद आया था यहाँ, बाकी दशा हो गया होगा तब ये गाँव वालों को बोल दिया सब मंदिर सब मंदिर। तो बहुत ज़्यादा पुराना है, 100 साल पुराना। 100 साल पुराना तो ये ये जो बता रहे थे हमारे पवन कुमार बड़वानी जी हैं, लगभग कई सालों से ये पुरानी दिल्ली से खाटू साहब सालों से चूड़ी धाम, चूड़ी धाम की बड़ी चर्चा है उनकी। हाँ तो चूड़ी धाम तो क्या खास बता रहे कि मिश्री है वो कौन सा पेड़ है वो तो ये दिखाएंगे खल कर के क्या मतलब जा सकते हैं हटावत मिश्री लगा हुआ है लगा फिर
अच्छा, कितनी कितनी लगभग एरिया में होगा शर्मा जी ये मंदिर? ये दस जमीन तो 30 बीघा है। 30 बीघा जमीन है। बाकी गर्मियों में भी आप आओगे नहीं तो ये चीज ठंडी मिलेगी आप गर्मी में। मतलब ये वो पेड़ है। यहाँ के जो पुजारी हैं चूड़ी धाम श्याम दरबार से, श्याम मंदिर से बता रहे हैं कि यहाँ नवरात्रे में ये वो पेड़ है जिस पर मिश्री लगती है, ये वाला पेड़ है। कितने दोनों तक पूरे 9 दिन लगती है, बाद में लगी रहती है? 9 दिन। 9 दिन लगती है। और नवरात्र खत्म हो जाती है। और क्या खास है इस मंदिर की? बस मेन तो बाबा की ये चमत्कार है, फिर आगे आगे जो सहयोग मिले मंदिर करेंगे। कितने रूम होंगे इसमें? रूम कम से कम 150 रूम। 150 रूम तो क्या रुकने की व्यवस्था भी है? हाँ, रुकने की कोई चार्ज नहीं है। कोई भी आओ, 5 आओ 50 आओ, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है। सानक खाना पीना सब मंदिर की व्यवस्था की तरफ से रहता है। खुलने का क्या समय है मंदिर का? तो बाद में करना था तो। जी जी, क्या समय है मंदिर खुलने का यहाँ पे? मंदिर अपार की टाइम में क्या है, दिन भी छोटा होता है, सुबह रहता है। बाकी गर्मियों में 12 बजे बंद कर देते हैं। भोग लगाए बंद कर देते हैं, फिर चांग पा। कितने साल हो गए आपको पूजा करते हुए? आइए, पूजा करते हुए काफी साल हो गई आपको? ये पुजारी जी हैं। हाँ, ये हैं पुजारी जी। क्या इनका क्या शुभ नाम आपका? राम नारायण जी। राम नारायण जी, जिन्होंने ही बाबा श्याम ने इनको दर्श दिया, अब ता जा करके बंद हुआ है। लग रहा है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से खाटू श्याम में भी श्याम बहादुर जी हैं श्यामलीन, उसी प्रकार से माना जाए कि भी श्यामलीन थे और उन्होंने ये चूड़ी धाम यहाँ पर इनकी प्रेरणा से ही स्थापित हुआ देखा जा सकता है। चूड़ी धाम की जय। हाँ राम भाई, हर महोत्सव जय श्री श्याम, श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। श्री श्याम बाबा की, हरिलीला श्याम बाबा की न्यारी जयकारा गूंजे, भगवान हरी लीला श्याम बाबा की न्यारी गूंजे, भगवान का श्याम का गुजरी देखो याद जयकारा, श्री श्याम का गुजरी लीला श्याम बाबा की नारी जयकारा। ये है चूड़ी धाम, महान श्री राम नारायण जी स्वामी जी जो अब कोरोना काल में पूरे हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्रेरणा से ही ये मंदिर बाबा श्याम ने यहाँ दर्श दिए और इन्होंने यहाँ गाँव वालों को बताया और यहाँ देखकर के विशाल मंदिर जिसमें लगभग 150 कमरे तीर्थयात्रियों के रुकने के लिए उचित व्यवस्था है, खाने की रहने की पीने की उचित व्यवस्था है। चूड़ी धाम में देखा जा सकता एक महल की तरह लग रहा है ये चूड़ी धाम। चूड़ी धाम से पवन कुमार वर्णवाल के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट। उठा अपना यार, देखो याद मेरा चाहिए, अपना यार।
ये फोटो ले लो मान जी का। पवन जी आप बताइए आपको कैसा लग रहा, चूड़ी धाम आज पहुंच गए, वो पेड़ भी देख लिया आपने, बहुत खुश हो बहुत। मैं तो बस मिश्री का इंतजार कर रहा हूँ, कब जल्दी बाबा बुलाए मिश्री दर्शन। मैं तो दो साल से इंतजार में हूँ और आज पता नहीं क्या मन हुआ कि बाबा बुला ही लिए सीधा, क्योंकि उन्हीं के पास आदमी यहाँ आ सकता है, उनके बगैर किसी को यात्रा कर नहीं आ सकता। दो साल से मैं सोच रहा हूँ, हर महीने इधर से गुजरता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मन बनता है, नहीं सुनना आज आँखें भर आई है कि बाबा का दर्शन बहुत बड़ी बात है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बाकी तो बाबा बुलाएं जिस दिन तक दर्शन करने आएंगे मैया भी, इसीलिए माँ के नवरात्र में माँ की कृपा से होती है, तो बाबा कृपा से मंदिर में ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक बार आज तो वो दूसरी बार से आता ही आता है, रास्ता बन गया तो हम बना ही लेंगे प्रोग्राम ऐसा जी। बताइए चूड़ी धाम में पहुंच गए हैं, श्री श्याम मंदिर चूड़ी धाम, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, पहली बार पहुंचे हैं जी। और जो चमत्कार अभी हरे का सारे टीवी चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा था हरीश तोमर, यहाँ के जो पुजारी हैं शर्मा जी, उनसे तो उन्होंने बताया क्या क्या बताया, अभी उसमें मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे चूड़ी धाम के बारे में? ये अत्यंत रमणीक बहुत सुंदर बाबा श्याम का मंदिर है और ये चूड़ी धाम बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि इतना बड़ा मंदिर यहाँ राजस्थान में सुविख्यात है बाबा श्याम का। लोग सालासर भक्तगण सालासर धाम और बाबा श्याम के खाटू धाम में आते हैं। यहाँ पर एक विशाल काय परिसर है जैसा आपने देखा अभी और आप सभी को दिखा भी रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मंदिर के साथ सबसे बड़ी बात जो यहाँ का विश्व प्रसिद्ध विश्व में प्रसिद्ध एक पेड़ है मंदिर के साथ लगा हुआ, ये वृक्ष जिसका आप देख रहे हैं सामने, चैत्र नवरात्र में माता रानी की कृपा से इस वृक्ष पर मिश्री लगती है। और आश्चर्य की बात यह है, आप देख भी सकते हैं कि 100 वर्ष से भी अधिक पुराना पेड़ है ये, विश्व का अनोखा इस प्रकार का पेड़ है, पूरी दुनिया भर में कोई मिश्री का ऐसा पेड़ नहीं है जहाँ 9 दिन माता के दिनों में मिश्री लगती हो और उस पर न कोई चीटा आता है न उस पर किसी प्रकार का कोई कीड़ा आता है उन दिनों। तो भक्तगण उस समय यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है बाबा के दर्शन करने के लिए, इस मिश्री का चमत्कार देखने के लिए और इस धाम का महत्व जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरे का सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए, धन्यवाद। मैंने कर दिया अपना काम, हो गया ना काम, बस हो गया काम, मजा आ गया। बहुत अच्छा से खाने को मिल रहा है गरम गरम, बाकी भक्त लोग बताएंगे कैसा रहा खाना, आप उनसे पूछिए।
यहाँ के खाने के तो कोई बात नहीं, बोलिए मत, तारीफ है ही तारीफ है।